हे गाइस, दिस इज़ मनदीप। सो भाई, आज नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे मेलबर्न आए मेरे को 4-5 दिन तो हो गए। हाँ, तो वही कि भाई आज कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा था, तो भाई सोचा कि भाई कुछ व्लॉग्स वगैरह में कुछ थोड़ा रहता हूँ रेगुलर, तो बनाना चाहिए मेरे को व्लॉग। तो मेरे को, मैं मेलबर्न आए मेरे को 4 दिन तो हो गए। जैसे कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था 6-7 बजे। तो भाई उसके बाद से अभी यहाँ पे फ्रेंड के पास स्टे कर रहा हूँ। भाई मेरे को एयरपोर्ट से पिक करने आया था। तो आज भाई मेन ब्लॉग का अपन ये रखते हैं कि भाई, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। मेन ब्लॉग का ये रखते हैं कि मीन्स अपन की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आती पहले मेन काम क्या रहते हैं कि भाई वह तो कर लेने ही चाहिए। जैसे कि हाँ, मैं मेरे हिसाब से जैसे सबसे मेन वही रहता है कि भाई अपन सिम कार्ड के लिए कि हाँ भाई सिम कार्ड ले लो। तो जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले आते ही 2 दिन के बाद में जैसे योगेश भाई के पास रुका हूँ, तो उनको मैं साथ लेके गया और उन्होंने मेरे को सिम कार्ड वगैरह का करवा दी फॉर्मेलिटी। सिम कार्ड का ये रहता है कि भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेटे, माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह। सिम कार्ड के लिए उनको फॉर्मेलिटीज वगैरह ले मैंने कर दी, बट वो है कि उनको साथ ही लेके गया था क्योंकि वो यहाँ के रेजिडेंट, कुछ जो यहाँ पे रह रहा उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर मैं एड्रेस वगैरह और कुछ बैंक अकाउंट, मतलब कि उसका मतलब भाई का ऐड करवाया था मैंने पेमेंट वगैरह के लिए, वो जो मैं लेटर ऑन चेंज कर लूँगा मेरे में। तो वही है कि भाई थोड़ा ईजी रहे इसके लिए उनको साथ लेके गया था, मतलब वही मेरे को लेके गए थे, मेरे को तो क्या बता रहा। और बस इफ वैन यू आर डन विथ योर सिम कार्ड, तो देन मेन रहता है कि भाई TFN के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। TFN का ये सीन है कि भाई TFN के लिए अप्लाई करोगे देन यू आर एलिजिबल कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कर सकते हो काम। तो भाई मैंने TFN के लिए भी अप्लाई कर दिया, सिम कार्ड ले लिया। अब बैंक अकाउंट का ये है कि भाई फ़िलहाल तो मैंने कुछ कैश कैरी किया है मेरे साथ, तो अभी तक तो ये है कि मेरा कि भाई भाइयों ने मेरे को इतना था कि इस हिसाब से रख रहे हैं कि भाई मेरे से अभी एक भी खर्चा नहीं हुआ मेरा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है यहाँ पे कि भाई इतनी हेल्प तुम्हारी कोई नॉन भी करेगा, जो मेरे मतलब ये भाई कर रहे हैं। तो भाई ये कि कैश अभी आज या शायद बैंक, यहाँ पे ये है कि बैंक 4 बजे बंद हो जाते हैं शाम को। तो मैंने ये सोच रखा है कि भाई आज या कल मैं बैंक अकाउंट का भी सीन सॉर्ट करता हूँ कि भाई वो कैश डिपॉजिट करा के बैंक अकाउंट भी चालू करता हूँ। बस यही मेन रहता है कि सबसे पहले आप सिम कार्ड के लिए अप्लाई करो, बाद में TFN, क्योंकि भाई TFN के अंदर सिम कार्ड अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स में सिम कार्ड मतलब कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो मांगेगा ही, तो वो मेन होता है। एड्रेस तो ये है कि भाई एड्रेस तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जो अभी मैंने अभी ये है। और बाकी मैं अकोमोडेशन देख रहा हूँ कुछ थोड़ा मिल जाए ठीक ठाक, तो बाद में लेटर ऑन की वो एड्रेस वगैरह का भी सीन रहता है वो चेंज कर सकते हो आप। तो ये हो गए, बाद में बैंक अकाउंट मैंने बता ही दिया। बाकी ये मेन 2-3 पॉइंट्स हैं, बाकी ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भाई तुम अपना रेज्यूमे रेडी रखो, थोड़े बहुत प्रिंट्स निकलवा लो, और कुछ यहीं पे है कि आसपास के जहाँ पे तुम अपना अकोमोडेशन देख रखा है वहाँ पे आसपास के स्टोर्स में विजिट करो, भाई लेके जाओ पूछो। वही है कि थोड़े बहुत क्या कहते हैं ना, एफर्ट्स मारोगे तभी कुछ आएगा भाई। तो ये है कि मैंने रेज्यूमे भी रेडी किया है, तो वंस मतलब कि मेरा अकोमोडेशन रेडी हो जाएगा कि भाई हाँ फाइनल हो जाएगी भाई मैं यहाँ मूव इन कर रहा हूँ, बाद में वहाँ के आसपास के एरियाज़ में मैं भी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देखूँगा कुछ, भाई देखता है क्या निकलते हैं। गर्मी का यहाँ पे सीन नहीं है, मतलब कि सुबह सुबह काफ़ी ठंड से लगेगी, और अब जैसे कि लाइक अभी दोपहर के 11-11:30 हो रखे हैं, तो अचानक यहाँ पे धूप हो गई है काफ़ी। तो ऐसा सही मौसम है मेलबर्न का वैसे तो, बट काफ़ी अच्छा लगेगा कि भाई सुबह ठीक है, अच्छी ठंड है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, और दोपहर में थोड़ी बहुत धूप लगती है, शाम को वही ठंडा मौसम वापस, ठंडी अच्छी है, खासी हवाएं चलती हैं। तो ये कि बस चीज़ें मैंने जैसे कि अपने डिस्कस कर ली कि ये रहता है मेन, बाकी वही है कि भाई काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब कि 3-4 दिन मेरे को आए हैं तो काफ़ी अच्छा, डिसेंट पीपल, अच्छी जगह, अच्छा मौसम। फिलहाल तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि भाई मैं काफ़ी अच्छे दोस्तों के पास रुका हूँ कि भाई जिनके कारण मेरे को इतना कुछ परेशान होना पड़ नहीं रहा। और बाकी है कि और भी, मैं जैसे कल मैंने यूनि विज़िट की थी, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है कि भाई दिमाग ख़राब हो रखा है, बट देखो आओ भाई, मोस्ट वेलकम।